हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। त्योहारों पे पेड़े तो सभी के यहाँ बनते हैं, पर आज मैं पेड़ों की बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी सत्तू पेड़ा। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे एक बड़ा बाउल। इस बाउल में मैं डाल दूंगी 1/4 कप मेल्टेड घी। अगर आप इसे चम्मच से मेजर करेंगे तो ये 6 से 7 चम्मच है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। आप नॉर्मल शुगर ना लें, इसके लिए पाउडर शुगर ही यूज़ करें। मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर डाल दिया है और इनको एक विस्क की हेल्प से हम इनका एक अच्छा फ्लफी पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं या स्पून फॉक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट लगता है इसको फ्लफी पेस्ट बनने के लिए। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर। ड्राई फ्रूट का पाउडर डालने के बाद में उन्हें हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं डाल दूंगी 1 कप इसमें सत्तू का आटा। ये बहुत ही आसानी से ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो आप चना, रोस्टेड चना दाल जो रहती है वो लेकर आए और इसे मिक्सी में पीस लें और उसे यूज करें। इस तरीके से चलाते हुए हम इसका एक डो बना लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा डो बनके तैयार हो गया है। अगर आपको डो बनाने में कुछ दिक्कत हो तो आप 1 से 1.5 चम्मच घी और यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पूड़ी बनाते हैं। इतना बड़ा हम एक बॉल लेंगे आटे का और हाथों पे घी लगा के इसे हम दोनों साइड से इस तरीके से अच्छे से घुमाते हुए पेड़ा बनाएंगे। इस तरीके से घुमाते हुए इस तरह मैं बीच में उंगली प्रेस कर दूंगी और आप देख सकते हैं हमारा पेड़ा बनके तैयार है। आप इसे देखकर तो बता ही नहीं सकते कि ये मावे का पेड़ा नहीं है, लेकिन आप इसे खा के भी नहीं बता सकते कि ये सत्तू का पेड़ा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं ये 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बना करके ट्राई करें। सत्तू पेड़े बन के तैयार हैं। तो अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर मिल्क पेड़ा और चॉकलेट पेड़ा। मिल्क पेड़ा और चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे पैन गरम करूँगी। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन को गरम कर लिया है। उसमें 1/2 कप में डाल रही हूँ दूध। दूध डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप मेल्टेड घी। घी डालने के बाद में 1 कप पाउडर शुगर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप नॉर्मल शुगर यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा कम यूज करें। इस तरीके से मैं सभी चीज़ों को चला दूंगी और इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल के सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे 2 कप मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। अगर इसे वजन में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम है। इस तरीके से चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी हो गई है। ये कढ़ाई से छूट रहा है। ये पेड़े बनने के लिए बिल्कुल हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो मैं 2 तरीके के पेड़े बना रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। 1 पोर्शन को मैं निकाल के इसे ठंडा होने रख दूँगी और दूसरे में मैं डाल दूँगी कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट पाउडर या मेल्टेड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच कोको पाउडर मैं और डालूँगी। उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो बहुत ही च्यू हो जाएगा ये। तो इन्हें अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और उसके हम फिर पेड़े बनाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं बैटर ठंडा हो चुका है, पर इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो पेड़े बनाने में बहुत ही दिक्कत आएगी, उनमें लाइंस और क्रैक्स दिखेंगे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा बैटर लेके इस तरह हाथों में घुमाते हुए पेड़ा बना लूँगी। इसे बीच से ऐसे प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पेड़ा कितना सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पे पिस्ता और एक केसर के धागे से इसको गार्निश करूंगी। तो इसी तरीके से मैं ऐसे ही सारे पेड़े बना करके तैयार कर दूंगी। अगर आप मावा पेड़ा बनाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है उसको, पर ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनके तैयार हो जाती है। 10 से 15 मिनट की रेसिपी है, पर खाने में ये बिल्कुल मावे पेड़े के जैसे ही लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं अभी सारे पेड़े बना लूंगी।
पेड़े बनके तैयार हैं, तो यहाँ पे मैं सभी पेड़ों को अच्छे से गार्निश कर दूंगी। यहाँ पे आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मिल्क पेड़े बन गए हैं, तो अब मैं बनाऊंगी चॉकलेट पेड़े। इस तरीके से मैं उनकी लोइयां काट के रख लूंगी और उन्हें अच्छे से हाथों से दबाते हुए उनको एकदम चिकना और अच्छा पेड़ा बना के तैयार करेंगे। तो बीच में मैं दबा दूंगी। आप देख सकते हैं पेड़ा कितना शाइनी है और एकदम बिना किसी लाइन के, बिना किसी दरार के बना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको रख दूंगी। इसी तरीके से आप सारे पेड़े बना के तैयार कर लें। एक ही बार में हमने यहाँ पे दो मिठाइयाँ बना ली हैं, तो बहुत ही आसान रेसिपी है ना ये। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं चॉकलेट पेड़े। यहाँ पे मैं इन्हें कटे हुए बादाम से गार्निश कर दूंगी। ये हमारे पेड़े सभी बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर बने हैं और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप इसी तरीके से पेड़े जरूर बनाएं, कमेंट करके मुझे बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।